पूरे देश में शारदीय नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और शारदीय नवरात्र पर 9 दिनों तक दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ऐसे में मंदिरों में श्रद्धालु देवी माँ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं डाकुओं से जुड़ा एक ऐसा ही एक मंदिर जालौन के बीहड़ों में भी मौजूद है, जहाँ कभी आस्था के आगे डाकू भी अपना सिर झुकाते थे। इन बीहड़ों में कभी डाकुओं की गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती थी, लेकिन अब मंदिर में घंटों शंख और झालरों की आवाज सुनाई देती है। जालौन के बीहड़ों में स्थित जालौन वाली माता के दर्शन के लिए नवरात्र में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। इसका मुख्य कारण बीहड़ इलाके से दस्यु मुक्त होना है। देखिए, इतिहास में बताऊँ आपको स्पष्ट रूप से है, चाहे किसी आप क्षेत्र में बूझे चाहे यहाँ से बूझिए, तो इतिहास क्लियर है कि माँ की स्थापना पांडव द्वारा की गई, पांडव काल में हुई और व्यास जी के द्वारा मैया की स्थापना कराई गई। और ये जो माँ है बीच जंगल में थी, लोगों का आना जाना खूबसूरत बहुत कम था, लेकिन दसियों के बैठे हुए लोग कम आया करते थे। आज तो माँ की ऐसी कृपा हुई है कि लोगों से गाँव जोड़ दिए गए हैं, तो यहाँ बड़ा रास्ता सुगम हो गया आने जाने के लिए। यहाँ बराबर अनवय रूप से दर्शनार्थियों का आना जाना रहता है, पुलिस का भी गश्त होता रहता है और किसी प्रकार का कोई लोगों को भय नहीं रह गया है। अच्छा, डकैत कौन कौन सी आती थी और क्या मन्नत मांगने के लिए? डकैतों की मन्नत यही थी कि हम जीवित रहें बहुत समय तक और माता यही आशीर्वाद मांगते रहे, घंटे चढ़ाते रहे और माँ से मन्नत मांगते रहे। आप पूजा चंद्र किया है, उन्होंने घंटे भी चढ़ाए हैं, तो चूंकि ये जंगल का एरिया था इसलिए उन्हें यहाँ राहत मिलती रही, लेकिन जब से ये व्यवस्था कर दी गई है तब से यहाँ बहुत शांति है। डकैता का तो खात्मा ही हो गया है, कोई है ही नहीं, मैं आराम से माँ का दर्शन हो रहा, कोई किसी प्रकार का भय नहीं है। लोग रात्रि में ही 12 बजे देवेश्वर माँ के दर्शन के लिए आते और शांति उनका दर्शन भी हो रहा है और मैया उनकी मेहनत को पूरा भी कर रही है। ये जालौन देवी मंदिर के नाम से विख्यात है, हजारों साल पुराना मंदिर है। पहले यहाँ डाकू लोग भी, मतलब ये वैसा एरिया था बहरा टाइप का, तो यहाँ डाकू भी प्रवास करते थे और यहाँ पे पीएससी परमानेंट रहती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि मतलब चैलेंज हो गया था डकैतों और पुलिस के पीएससी के बीच में, तो उन्होंने चैलेंज कर दिया था। जो लाला राम डकैत थे, निर्भय गुजर थे, फक्कड़ थे यहाँ पे, और फूलन देवी भी थी, तो मतलब वो लोग आए और झंडा और घंटा चढ़ाकर चले गए, तो किसी ने जान नहीं पाई। ये माता रानी की ही कृपा थी जो लोग हमें पहचान नहीं पाए हैं। और आज के नियम से तो ये है कि यहाँ पे दिल्ली वगैरह से भी लोग आते हैं, बहुत दूर दूर के देशों के लोग आते हैं। यहाँ देवी मैया की इतनी कृपा है कि यहाँ जो मांगा जाता है, माता रानी अगर सच्चे मन से आप मांगते हो तो माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। अच्छा, इतिहास क्या है इस मंदिर का, कब स्थापित हुआ था, इसके बारे में? ये बहुत समय, बहुत मतलब हजारों साल पुराना है, ये तो हमें मतलब ज्ञात नहीं है, मतलब पुरखों से सुना है कि ये मंदिर की पहले सिर्फ यहाँ पे एक मठिया थी। आज के डेट में देखा जाए तो प्रशासन ने इतना कर दिया और अन्य लोगों का जो जिसकी मान्यता पूरी हुई है, किसी ने जवारा चढ़ाया, किसी ने यहाँ मंदिर बनवाया, मतलब जिसपे जो बना सो किया है लोगों ने। जब लोगों की मान्यता पूरी होगी तो मंदिर का विख्यात भी होता है, उस हिसाब से आप दूर दूर से लोग आते हैं। नवरात्रि में आप नौमी और अष्टमी को देख सकते हैं, यहाँ हजारों की तादाद में भीड़ होती है। द्वापर में स्थापना की गई, हमारे पूर्वज लोग बताते रहे कि द्वापर में उनकी स्थापना की गई। जब पांडव अज्ञातवास में जा रहे थे तो कुंती ने आदेश दिया कि यहाँ जंगल में यहाँ विश्राम किया उन लोगों ने, तो कुछ दिन विश्राम किया। उन्होंने कहा कि कलयुग में कोई एक ऐसा यहाँ स्थान बनाइए जो जो इनके दर्शन करने से ही आदमी को मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा जाइए कालपी से वेद व्यास को बुलाइए। तो भीम रातों रात गए तो वहाँ से वेद व्यास को बुलाया, प्रार्थना की, तो वेद व्यास आए, तो आने के बाद इनकी स्थापना की गई कलयुग में। और स्थापना करने के बाद यहाँ विशाल भीड़ होती है, नवरात्रि में विशाल भीड़ होती है, यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, आगरा से कई दूर दूर प्रांत से लोग आते हैं, जवारे लेके जवारे चढ़ते हैं, भंडारा भी करते हैं और विशाल भंडारा भी होता है यहाँ, रात्रि जागरण भी होता है। और बदमाश तो कई लोग रहे, बदमाश निर्भय गुजर इत्यादि, मलखान
और कुसुमा नायन और फक्कल है और कई बदमाश रहे, फूलन देवी वगैरह सब रही। फूलन तो पास ही गाँव की है, यहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर गांव है उनका। तो बदमाशों ने कभी किसी दर्शनार्थी से कोई टच नहीं किया अभी तक। उन्होंने सहयोग भी किया दर्शनार्थियों को, यदि किसी साइकिल पंचर हो जाए, मोटरसाइकिल पंचर हो जाए तो उन्होंने बना के उनकी व्यवस्था करके उन्हें घर पहुंचाया। अच्छा, कोई यहाँ घंटे चढ़ाए गए हैं डकैतों द्वारा? हाँ, घंटे तो कैसे आते थे ये लोग? अपने बेस से आते थे चले जाते थे। गैंग की गैंग आती थी या एक दो लोग करके आते थे? एक एक दो दो लोग लेके आते, तो गैंग के भी आते थे। दीपावली को अधिकांश वो दीपावली यही मनाते थे आके रात बिरात।